Hello everyone, this video is for grade 1st. Mm. Okay, let us start. So, we have three different sections in this sheet. Okay, three different sections English, Maths, and EVS. Let's start the sheet with English. So, in the English section, our first question.

अगर एक है तो एप्पल एप्पल अगर एक है तो वी विल स्पीक एप्पल अगर एक से ज्यादा है तो हम कहेंगे एप्पल्स अंडरस्टूड सो इस इन दिस वे ओनली वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द्लूरल फॉर्म उनका हमें प्लूरल फॉर्म राइट करना है एज यू कैन सी इन द पिक्चर द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ एप्पल सो वी विल राइट एप्पल्स हमें क्या करना है प्लूरल फॉर्म राइट करना है तो वी विल राइट एप्पल्स a double p l e s apples second picture is of ball we will write balls we have to write plural form na balls b a double l s balls understood so what we will do we will राइट द प्लुरल फॉर्म हम प्लुरल फॉर्म राइट करेंगे लाइक like कैट है तो हम कैट्स राइट करेंगे डक है हम डकस राइट करेंगे एप्पल एप्पल बॉल बॉल्स अंडरस्टुड वॉट वी विल डू वी विल रेट द प्लूरल फॉर्म ओके या नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश इंग्लिश के सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोविंग यू कैन सी अ फ्यू वर्ड्स गिवेन हीयर यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवेन है एंड वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू राइट देयर प्लूरल फॉर्म हमें उनके प्लूरल फॉर्म को राइट करना है अंडरस्टूड या सो वॉट विल द प्लूरल फॉर्म ऑफ हाउस हाउसेज एच ओ यू एस ई एस हाउसेज एच ओ यू एस ई एस Houses Tree Trees TR double -e -s, trees TR -e trees I eyes e -y -e -s, eyes

एच ओ आर एस ई एस हॉर्सेस एच ओ आर एस ई एस हॉर्सेस अंडरस्टोड सो वॉट वी हैव टू डू हमें क्या करना है हमें इनके प्लूरल फॉर्म राइट करने हैं अंडरस्टोड सो अभी हमने राइट तो कर दी है प्लूरल फॉर्म बिकॉज दिस वॉज द इजी इजी वन ओके ये ईजी वाला था बट वॉट इज एग्जैक्टली सिंगुलर एंड प्लूरल लेटेस्ट अंडरस्टैंड सिंगुलर और प्लूरल एग्जैक्टली exactly में है क्या वो समझते हैं सिंगुलर मीन्स वन मीन्स सिंगल सिंगुलर मीन्स सिंगल मीन्स वन एक और प्लुरल मीन्स मोर देन वन एक से ज्यादा अंडरस्ट नाउ इफ वेन वी आर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल जब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या ऐड करते हैं क्या रिमूव करते हैं ये ध्यान देंगे अभी हम ओके नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली ओके नॉर्मली हम क्या करते हैं जो भी वर्ड्स होते हैं उनकी एंडिंग में एस लगा के या फिर ई एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं वर्ड को हम प्लूरल बनाते हैं वी एड एस और ई एस टू मेक द वर्ड प्लूरल ओके बट वी हैव कंडीशन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं एस ई एस लगाने की अंडरस्टूड नाउ लिसन टू मी केयरफुली जब वेन अ वर्ड एंडज विथ सी एच एस एच डबल एस और एस अगर कोई वर्ड सी एच एस एच डबल एस या फिर एक्स इससे एंड होता है तो फिर हम उसके आगे ई एस लगाएंगे और उसको प्लुरल में कन्वर्ट करेंगे लाइक like, बॉक्स बी ओ एक्स किस एंड हुआ एक्स सो वी विल एड ई एस इट विल बिकम बॉक्सेस अगर है ब्रांच बी आर ए एन सी एच किस एंड हुआ सी एच इट एंड विथ सी एच सो वी विल एड ई एस इसमें हम ई एस एड कर देंगे बी आर ए एन सी एच ई एस ब्रांच ब्रश बी आर यू एस एच ब्रश

और उसके पहले कोई वॉवल लेटर आता है इफ़ अ वर्ड एंड्स विथ लेटर वाई एंड बिफोर वाई अ वॉवल लेटर कम्स अगर वाई के पहले कोई वॉवल लेटर आता है तो हम वहाँ पर आई ई एस लगा देंगे वी विल एड आई ई एस वाई को हटा के आई ई एस का यूज़ करेंगे अंडरस्टूड लाइक बेबी बी ए बी वाई बेबी ओके लिसन टू मी अगर कोई वर्ड वाई से एंड होता है और उसके पहले वोवेल नहीं इट कॉन्सोनेंट आता है कॉन्सोनेंट ओके okay. जब कॉन्सोनेंट आता है तब हम वहां पर आई ई एस का यूज़ करते हैं अगर वो, अगर वाई के पहले वोवेल आएगा तो हम वहां पर एस का ही यूज़ करेंगे तब हम वहां पे एस का यूज़ करेंगे जैसे कि टॉयज जैसे कि टॉयज क्या है लास्ट में टी ओ वाई वाई है वाई के पहले क्या है वॉवल वर्ड है ओ है तो हम उसमें सिर्फ एस एड करेंगे और अगर वाई के पहले कोई वॉवल वर्ड ना हो के कॉन्सोनेट वर्ड है तो हम वहाँ पर आई ई एस एड करेंगे लाइक बेबीज बी ए बी वाई बेबी ओके लास्ट में क्या है वाई वाई के पहले क्या है बी बी क्या है कॉन्सोनेंट बी इज अ कॉन्सोनेंट सो इन प्लेस ऑफ वाई वी विल राइट आई ई एस बी ए बी आई ई एस बेबीज अंडर स्टूड या सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ चेंजिंग द चेंजिंग इन टू प्लूरल फॉर्म ओके सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का ये सेकेंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन क्या है अगर कोई वर्ड इफ़ अ वर्ड एंड एफ और एफ ई e, अगर कोई वर्ड एफ या फिर एफ ई e से एंड होता है तो हम उस वर्ड के लास्ट में वी विल एड वी ई एस तब हम वहाँ पर वी ई एस एड करके उसको प्लूरल में चेंज करते हैं लाइक like नाइफ के एन आई एफ ई के एन आई एफ ई सो इफ वी विल चेंज इन टू प्लूरल अगर हम इसे प्लूरल में चेंज करेंगे सो इट विल बिकम के एन आई वी ई एस नाइव के एन आई वी ई एस अंडरस्टूड सो दिस वॉज द थर्ड रूल ऑफ चेंजिंग इन टू प्लूरल अंडरस्टूड सो वी हैव टू कीप दीज रूल्स कीप कंडीशन एंड आवर माइंड वेन वी आर चेंजिंग अ वर्ड इन टू सिंगुलर टू प्लूरल जब हम किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है अंडरस्टूड लेट्स नाउ मूव ऑन टू द मैथ्स पोर्शन एड एंड राइट वट वी हैव टू डू हमें क्या करना है एड करना है और राइट कर देना है एड करना है और राइट करना है टू ट्री प्लस वन टी ट्री मीन्स टू प्लस वन इट विल बी थ्री थ्री प्लस टू इट विल बी फाइव टू प्लस वन इट विल बी थ्री थ्री प्लस टू इट विल प्लस टू इट बिकम्स थ्री अंडरस्टूड सो वट वी हैव टू हमें क्या करना है एड करना है ओके okay? हम इसको एड करेंगे और राइट कर देंगे वन प्लस वन टू numbers द नंबर्स See बिलो सी question ऑफ मैथ्स Add द नंबर्स बिलो नंबर्स दिए हैं इन्हें एड करना है थ्री प्लस फाइव काउंट ऑन योर फिंगर्स फास्ट थ्री प्लस फाइव वॉट विल बी द आंसर येस एग्जैक्टली इट विल बी एट थ्री प्लस फाइव एट गुड टू प्लस फोर व्ट विल बी द आंसर टू प्लस फोर एक्सेलेंट इट विल बी Six. one plus seven इट विल बी eight वेरी गुड या सो लाइक दिस वी हैव टू add एंड राइट हमें इसी तरीके से नंबर्स को ऐड करना है और फिर आंसर राइट करना है बॉक्स में अंडरस्टूड इन बोथ द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स हमें क्या करना है एडिशन करना है जस्ट द डिफरेंस इज ओनली दैट इन द फर्स्ट क्वेश्चन

आई थिंक सेवन वर्ड्स गिवेन है सेवन क्लीन रेन वेस्ट आइस इंपॉर्टेंट एवरी डे लाइफ लिव ओके सो इसमें सेवन वर्ड्स दिए हैं हेल्प हेल्पिंग वर्ड और हमें क्या करना है इन वर्ड्स की हेल्प से ब्लैंक्स को फिलअप करना है वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर वी शुड ड्रिंक क्लीन वॉटर डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर वॉटर का सबसे मेन सोर्स क्या है रेन रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर डैश इज फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर. फ्रोजन मीन जमा हुआ जम, वाटर का जमा हुआ कौन सा फॉर्म है आइस जब हम पानी को जमा देते हैं तो हमें क्या मिलता है आइस आइस इज द फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर. आइस इज द फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर.

Understood? Yeah. Now see the second question of EVS. List five uses of waters. Kya Water ke uses right How do we use our water? We use water in drinking, cooking, bathing, in watering plants, and even in high, in electricity. दिस वाटर इज ऑल्सो बींग यूज इन इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कॉल दिस इलेक्ट्रिसिटी एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम पानी का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी करते हैं ओके okay? और पानी से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सो so,